অন্যদিকে সন্দেশখালী থেকে একের পর এক ভিডিও ভাইরাল। সন্দেশখালী ইস্যুতে ফের আক্রমণ মোদির। সন্দেশখালীতে কি হয়েছে গোটা দেশ দেখেছে। সন্দেশখালীতে মহিলাদের হুমকি দিচ্ছে তৃণমূল। নতুন খেলা শুরু করেছে তৃণমূল। শাহজাহানের বাড়ি থেকে উদ্ধার বোমা বন্দুক। সেই শাহজাহানকে বাঁচাতে চাইছে তৃণমূল। সন্দেশখালী ইস্যুতে এভাবেই নিজের বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাব। सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेशखाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेशखाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेशखाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है।